तो क्या विमान हादसे में जिंदा बच गए थे सुभाष चंद्र बोस? आखिर दुनिया से क्यों छिपाई गई उनकी मौत से जुड़ी सच्चाई? सब कुछ जानते समझते भी क्यों चुप रही कांग्रेस की सरकार? दोस्तों, ये वो कुछ सवाल हैं जो आज भी अबूझ पहेली बने हुए हैं, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे सबूत सामने आए हैं जिनसे ये बात साफ होती है कि सुभाष चंद्र बोस की मौत विमान हादसे में तो नहीं हुई थी। आखिर क्या है पूरा सच, इस वीडियो में हम आपको यही बताएंगे। चलिए शुरू कर लेते हैं। साल था 1897 और तारीख थी 23 जनवरी। यह वो दिन था जो इतिहास के सुनहरे पन्नों में दर्ज हो गया। इस दिन स्वतंत्रता आंदोलन के महानायक सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ। उनके पापा जानकीनाथ प्रभावती कटक के प्रसिद्ध वकील हुआ करते थे। जैसे जैसे सुभाष बड़े होते गए, उनके सामने अंग्रेजों के जुल्म आते गए, वो सब कुछ देखते समझते। धीरे धीरे उन्होंने भी अंग्रेजों के खिलाफ बगावत कर दी। वो उतर गए उस रास्ते पर जहां हर कदम पर मौत खड़ी थी। आईसीएस की परीक्षा में उत्तीर्ण होने के बाद सुभाष ने आईसीएस से इस्तीफा दे दिया। अंग्रेजों द्वारा मिली राय बहादुर की उपाधि को लौटाने वाले उनके पिता जानकीनाथ ने भी उनको सपोर्ट करते हुए कह दिया कि देश सेवा के लिए अगर निकले हो तो कभी अपने मार्ग से विचलित मत होना। उनके जोश और बेहतरीन लीडरशिप क्वालिटी के चलते साल 1938 में उन्हें कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया गया। लेकिन कांग्रेस से जुड़ी कुछ बातें उन्हें अच्छी नहीं लगी और 16 मार्च 1939 को सुभाष ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। सुभाष काफ़ी उग्र स्वभाव के थे। वो एक थप्पड़ खाने के बाद दूसरा गाल आगे करने वालों में से नहीं, बल्कि उस हाथ को ही तोड़ने में यकीन रखने वालों में से थे जो भारतीयों पर उठे हों। 5 जुलाई 1943, यही वो तारीख रही जब आज़ाद हिंद फौज का विधिवत गठन हुआ। एशिया के विभिन्न देशों में रहने वाले भारतीयों को एक साथ लाकर उन्हें भारत की आज़ादी के लिए तैयार करना सुभाष का मकसद बन गया। उन्होंने युवाओं को एक नारा देते हुए कहा कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। उनके इस नारे ने युवाओं में क्रांति की लहर छेड़ दी। हजारों युवा भारत की आज़ादी की लड़ाई में शामिल हो गए। सुभाष जितना कर सकते थे उससे ज़्यादा करने में हमेशा जुटे रहे। करते भी क्यों ना, भारत माँ की आज़ादी का सपना जो देखा था। कहा जाता है कि 18 अगस्त 1945 यही वो तारीख रही जब सुभाष का विमान क्रैश होने की खबर आई। कहा गया कि हादसे में उनकी मौत हो गई है। पूरे देश में संदेश दे दिया गया कि नेताजी अब नहीं रहे। लेकिन क्या वाकई उस दिन नेताजी की मौत हो गई थी? अगर सबूतों पर गौर करें तो शायद उस दिन उनकी मौत नहीं हुई थी। क्या है आखिर वो सबूत, आइए जान लेते हैं। जवाहरलाल नेहरू की बहन विजयलक्ष्मी का बयान। पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन विजयलक्ष्मी पंडित ने मीडिया में एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि मेरे पास एक ऐसी खबर है जो हिंदुस्तान में तहलका मचा देगी, शायद आज़ादी से भी बड़ी खबर, पर वो उसको बता नहीं सकती क्योंकि उनके भाई ने उनको ऐसा करने से मना किया है। उनकी बात को सीधे सीधे सुभाष चंद्र बोस से जोड़कर देखा गया क्योंकि विजया उस समय रूस में बतौर इंडियन एम्बेसडर तैनात थी। बताया जाता है कि उन्होंने सुभाष को रूस में देखा भी था। मॉस्को में रामकृष्ण मिशन के मुखिया स्वामी ज्योति रूपानंद ने भी कुछ टाइम पहले ही एक बयान देते हुए कहा था कि एक बार विजया को सुभाष के पास लेकर जाया गया था और उन्होंने जेल में बंद सुभाष को एक छेद के जरिए देखा था। विजया ने इसकी जानकारी तत्कालीन कांग्रेस सरकार को भी दी, पर फिर भी इस मामले में न जाने क्या सोचते हुए भारत सरकार कोई ठोस कदम नहीं उठा सकी। दूसरा प्रमाण, फैक्ट्स को अगर सही माना जाए तो 18 अगस्त 1945 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने टोक्यो हवाई अड्डे से उड़ान भरी, लेकिन वो पहुंचते उससे पहले ही लापता हो गए। जापान की एक संस्था ने उसी साल यानी 1945 में 23 अगस्त को यह खबर जारी करते हुए कहा कि नेताजी के विमान का ताइवान में एक्सीडेंट हुआ जिसके चलते उनकी मौत हुई। लेकिन इस खबर के कुछ दिनों बाद जापान सरकार ने इस बात को लेकर साफ कहा कि 18 अगस्त 1945 को ताइवान में कोई विमान हादसा हुआ ही नहीं। अब जब ताइवान में हादसा ही नहीं हुआ तो नेताजी की मौत कैसे हो गई? तीसरा सबूत, जब जांच समिति ने कहा नहीं हुआ हादसा। सुभाष चंद्र बोस की मौत से जुड़े मामले की पड़ताल के लिए सरकार ने 1956 में शाहनवाज खान समिति, 1970 में जीडी खोसला समिति और 2006 में एम के मुखर्जी आयोग बनाया।
लेकिन उसके बावजूद भी कोई खास नतीजा नहीं निकल सका। शाहनवाज खान समिति और जीडी खोसला समिति ने माना कि विमान हादसे में नेताजी की मौत हुई थी, लेकिन मुखर्जी आयोग ने साफ तौर पर इस बात को खारिज कर दिया कि नेताजी की मौत किसी हादसे में हुई है। हालांकि सरकार ने मुखर्जी आयोग की रिपोर्ट स्वीकार करने से ही मना कर दिया। सुभाष चंद्र बोस से जुड़े मामलों पर रिसर्च करने वाले लेखक अनुज धर भी मुखर्जी आयोग की रिपोर्ट से सहमत हैं। धर का कहना है कि ताइवान के अधिकारियों द्वारा उन्हें और मुखर्जी आयोग को भेजे पत्र में साफ कहा गया कि 18 अगस्त 1945 को कोई हादसा हुआ ही नहीं। गुमनामी बाबा के पास सुभाष से जुड़ी चीजों का मिलना। फैजाबाद के सिविल लाइन में पढ़ने वाले राम भवन में एक बुजुर्ग शख्स रहते थे। कुछ लोग उन्हें भगवान जी कहकर बुलाते। वो जर्मन, उर्दू, फारसी, हिंदी, अंग्रेजी ये तमाम भाषाएं बोल लिया करते, लेकिन अपने कमरे से वो बाहर निकलना पसंद नहीं करते थे। बहुत कम लोग ऐसे थे जिन्होंने उनको देखा था। जिन्होंने उनको देखा वो उनका हुलिया सुभाष जैसा ही बताते हैं। कहा जाता है कि 16 सितंबर 1985 को जब उनकी मौत हुई तो प्रशासन ने उनकी मौत होने के 2 दिन बाद बड़ी गोपनीयता से इनका अंतिम संस्कार किया। गोपनीयता आखिर क्यों बढ़ती गई इसका पता किसी को नहीं है। उनके मरने के बाद जब कमरे की तलाशी ली गई तो उसमें कई सामान ऐसे मिले जिससे उनके सुभाष होने का दावा और ज्यादा पुख्ता हो गया। गुमनामी बाबा के सुभाष चंद्र बोस होने की खबरें फैली तो सुभाष की भतीजी ललिता बोस कोलकाता से फैजाबाद आई और गुमनामी बाबा के कमरे से बरामद सामान को देखकर ये कहते हुए फफक पड़ी कि ये सब कुछ उनके चाचा का ही है। बाद में सुभाष के परिवार वालों की तरफ से उस सामान को संग्रहालय में रखने की अपील की गई। 31 जनवरी 2013 को इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने यूपी सरकार को निर्देश दिया कि गुमनामी बाबा के सामान को संग्रहालय में रखा जाए ताकि उन्हें आम लोग भी देख सकें। कुछ लोगों की तरफ से हालांकि ये भी कहा गया कि गुमनामी बाबा सुभाष चंद्र बोस नहीं थे, लेकिन इसके काट के कई सवाल हैं। आखिर अपने इर्द गिर्द बेहद गोपनीयता बनाकर रखने वाला ये शख्स कौन था? आखिर 1970 के दशक में ये व्यक्ति फैजाबाद बस्ती के इलाके में कहां से आया? आखिर गुमनामी बाबा इतनी फर्राटेदार अंग्रेजी और जर्मन भाषा कैसे बोल लेते थे? क्या किसी संत से ऐसी उम्मीद की जा सकती है? उनके पास से शराब, पत्रिकाएं, साहित्य, सिगरेट भी मिला। अब ये बताइए कि आखिर ये सब उनके पास पहुंचाता कौन था? उनके पास नेताजी से जुड़ी चीज़ें कहां से पहुंचे? वो हमेशा लोगों को नए नोट दिया करते थे। उनके पास ये करेंसी आती कहां से थी? गुमनामी बाबा अगर आम आदमी ही थे तो उनका अंतिम संस्कार टाइट सिक्योरिटी और गिने चुने लोगों की मौजूदगी में आखिर क्यों हुआ? सवाल और भी बहुत सारे हैं, लेकिन इन सब को ही हमेशा इग्नोर कर दिया जाता है। विमान हादसे में सुभाष चंद्र बोस के जिंदा होने के और भी सबूत हैं। हिंद फौज के सैनिकों का सुभाष से मिलने का दावा। हिंद फौज में शामिल रहे बहुत से सैनिक और अधिकारी भी कई मौकों पर ये दावा कर चुके हैं कि नेताजी आज़ादी के बाद तक भी जीवित रहे। इन सिपाहियों ने नेताजी से गुप्त मुलाकातों का दावा भी किया। गुमनामी बाबा की जब मौत हो गई तो उसके बाद एक कहानी निकलकर सामने आई जिसकी दा चौपाल पुष्टि नहीं करता। इसके अनुसार नेताजी को गुमनामी बाबा बनाने को मजबूर करने में पंडित जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी का बड़ा हाथ था। कहानी की माने तो 18 अगस्त 1945 को विमान दुर्घटना में नेताजी शहीद नहीं हुए, बल्कि वो तो जापान में थे, पर वहाँ जब अंग्रेजों ने उनकी हत्या की, साजिशें रचनी शुरू की, तो उन्होंने ये विमान दुर्घटना का खेल किया जिससे दुनिया को लगे कि सुभाष इस दुनिया को अलविदा कह गए हैं, जबकि असल में तो वो रूस चले गए थे। रूस जाने के पीछे का कारण कहानी में रूसी राष्ट्रपति स्टालिन से नेताजी के अच्छे संबंध होना बताया गया है। नेताजी 1955 तक रूस में ही रहे। जब भारत अंग्रेजों के कब्जे से मुक्त हुआ तो भारत के पहले पीएम जवाहरलाल नेहरू को नेताजी ने चिट्ठी लिखी और भारत आने की मंशा जाहिर की, लेकिन नेहरू ने धोखा किया और ब्रिटिश हुकूमत को बता दिया कि सुभाष रूस के पास हैं, जिसके बाद रूसी राष्ट्रपति स्टालिन पर ब्रिटिश हुकूमत ने दबाव बनाया और नेताजी को मार देने की बात कही, जिस पर स्टालिन ने जवाब दिया कि उन्हें खत्म कर दिया गया है। लेकिन नेताजी 1955 में चीन के रास्ते तिब्बत होते हुए भारत पहुंचे और 30 साल विभिन्न स्थानों पर गुमनामी की जिंदगी बिताई।
और अंततः राम भवन में 16 सितंबर 1985 को अंतिम सांस ली। हालांकि इस कहानी की सत्यता की पुष्टि बहुत कम लोग करते हैं। सरकार की तरफ से भी जांच समितियां बनाई गई। मोदी सरकार की तरफ से भी उनकी मौत से जुड़ी फाइलों को उनके परिवार वालों को सौंप दिया गया, लेकिन अब भी ठोस आधार पर यह कहना संभव नहीं हुआ है कि नेताजी उसी विमान हादसे का शिकार हुए थे। बाकी दोस्तों, आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो आपको कैसी लगी ये भी आप लिख सकते हैं। शुक्रिया।